हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 2 नवंबर है, सुबह के बज चुके हैं अभी 6:30। और अपन आज करने वाले हैं साइकिल का रिव्यू। तो अभी तो बस चल रहा हूँ, मैं रोज का वर्कआउट चल रहा है और इसको लेके मैं मुझे हुआ 1 महीना। तो आज करेंगे इसका रिव्यू। और आपने एक दो दोस्तों का मैसेज आ गया है कि इसका रिव्यू करो, इसका सस्पेंशन कैसा है सब बताओ। तो चलो आज सब कुछ दिखाते हैं, पहले तो एक अच्छे लोकेशन पे चलते हैं, बाद में वीडियो बनाएंगे। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes. तो गाइस शुरू करते हैं अपना इसका रिव्यू आज। तो पहले देखेंगे अपन अपना ये हैंडल बार, नॉर्मली स्ट्रेट आता है। उसके बाद इसमें जो टायर आते हैं, और जब लगता है ना तो अपने को बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इतना बड़े टायर नहीं है, छोटी टायर। इसके बाद आप देखो कि साइकिल के साथ आपको ये बॉटल होल्डर नहीं आएगा, ये अलग से आपको मंगाना पड़ेगा। और वो जो मडगार्ड रहते हैं वो भी नहीं आएंगे, वो भी आपको अलग से मंगाना पड़ेगा। तो इसमें आगे के बाजू में 3 गियर्स और पीछे में 7, ऐसे 21 स्पीड गियर्स इसमें आते हैं। और दोनों बाजू में 2 डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगे। इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी 1 नंबर है। आप फुल स्पीड में भी रहोगे, 20 के 25 के 30 के स्पीड में भी रहोगे ना, फिर भी आपको ये दोनों ब्रेक्स अच्छे से रोक देंगे। और इसका सस्पेंशन वर्किंग है, बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप। यहाँ तक ऑयल चढ़ा है, लेकिन मतलब ये इधर तक वर्किंग होता है। अभी इसका सस्पेंशन वर्किंग होते हुए देखने के लिए मेरे पास दूसरा कोई कैमरा पड़ने वाला नहीं है, जो है ना बहुत अच्छे क्वालिटी के शिमानो के आते हैं। और ये आगे के गियर्स की शिफ्टर है, और ये पीछे वाले। तो इसको ये अप वाला बटन है, और ये डाउन वाला, इससे वो अप डाउन गियर्स हो जाएंगे। साइकिल में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाते टाइम भगाते टाइम ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, और बहुत परफेक्ट साइकिल है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कोई तो आवाज़ आ रहा है, लेकिन वो आवाज़ जो रहता है ना पीछे के टायर का जो तार रहते वो थोड़ा लूज हो गए, क्योंकि मैं बहुत दूर जाके आया हूँ साइकिल पर। मुझे नहीं लगता इस साइकिल पर किसी ने 160 किलोमीटर किया होगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, इससे पहले मैंने वो वीडियो डाला है मेरे चैनल पे 100 किलोमीटर की राइड की, तो आप वो देख लो। और मैं इस साइकिल पे बहुत इसका बहुत हार्ड यूज़ किया उस राइड में, हार्ड मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा देर चलाया हूँ मैं बिना रुके। तो बस वो चतारे जो उतारा, थोड़ा सर्विसिंग करने के बाद वो हो जाएंगे अच्छे,
और आपने तो अभी सस्पेंशन देख लिया, इसका पूरा वॉक अराउंड वीडियो देख लिया। तो ये साइकिल जब आप शुरुआत करना चाहते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है, आपकी जब साइकिलिंग आप शुरू करना चाहते हो तो पहली बार, क्योंकि मुझे पड़ी है ये 999 में, मतलब 9000 में साइकिल आ जाएगी, उसमें एक बहुत अच्छे और परफेक्ट साइकिल आपको मिल जाएगी। और आपको पहले सोचना है कि आपको कैसी बाइक, कैसी साइकिल ख़रीदनी है, जो छोटे टायर वाली जो आती है रोड वाली वो, या बड़े टायर वाली और सस्पेंशन वाली रहती है वो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा रोड पे चलानी है तो आपको वो ख़रीदनी पड़ेगी जो छोटे टायर वाली, क्योंकि वो भागती ज़्यादा है, उसका वेट कम रहता है। इस साइकिल का वेट है अभी 19 या 20 केजी होगा, और जो साइकिल रहती है उसका वेट रहता है 7-8-10 केजी ज़्यादा, वो महंगी रहती है, तो 20-25 हज़ार तक आपको मिल जाएगी।